बस मुद्दा तो एक ही है, विकास। गांव को इकाई मानिए गांव, 2005 के पहले का गांव और आज का गांव। सड़क, बिजली, विद्यालय, सामाजिक सुरक्षा की योजना, बच्चों को स्कॉलरशिप, ये तमाम योजना समाज के सारे तबके के लिए है। सबसे गवर्नेंस का मॉडल ये हमारा है। अगर हम विद्यार्थी को छात्रवृत्ति दे रहे हैं तो सवर्ण छात्रों को भी, अति पिछड़ा को भी, पिछड़ा को भी, दलित को भी, अल्पसंख्यक को भी, आदिवासी को भी। आप बेटी देखिए कितना बड़ा परिवर्तन हो रहा है। आज बेटी को देखिए 35% हमने नौकरियों में आरक्षण दिया, उसके नतीजे देखिए। आज पुलिस विभाग में आपको नतीजे दिखाई पड़ेंगे, कितना मजबूती के साथ हमारी बेटी इस राज्य की पुलिस सेवा में है। तो मुद्दा तो हमारे पास, दूसरे के पास क्या मुद्दा है? ये होटवार जेल वाला सब जो है, कैदी नंबर 3351 के बेटा दागी घूम रहे हैं चुनाव प्रचार में। तो ये बताएंगे ना कि लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद जब जनता ने राजनीतिक मोक्ष दे दिया, 39 सीट हम लोग जीते एनडीए गठबंधन के लोग, तो इस बीच में कहाँ थे लापता? धरती पर, आकाश पर, कहाँ? जमीन का खाता खतियान ठीक कर रहे थे या कोर्ट कचहरी में पेशी लगा रहे थे? ये बतावे ना, उपचुनाव में तो ये बताना चाहिए। और ये मुंडे मुंडे मते बिना कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा हाल है। एनडीए में क्या माना जा सकता? अरे एनडीए में करार है, दरार की बात जो सोच रहे हैं ना, वो पेट दर्द की दवा उनको है, माथा दर्द की दवा से ठीक होने वाला नहीं। एनडीए टूट है। चुनाव प्रचार में क्या एनडीए एक मंच पर दिखेगा? अरे ये तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है ना, लेकिन मैं इतना कह रहा हूँ कि जनता एनडीए के पक्ष में, 39 सीट दिए, एनडीए एकजुट है, मंत्रिमंडल में सामूहिक जिम्मेवारी से हम लोग काम कर रहे हैं। इसलिए जो लोग इस ढंग का की बातें कर रहे हैं कि एनडीए में कहीं गड़बड़ सड़बड़ है, वो उनको मुगालते में है, उनको धोखा में है, और जनता मनोदशा तय कर चुकी है।